पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में पुलिस ने दो शार्प शूटर्स की पहचान कर ली है। उनकी तलाश में पुलिस की एक टीम नेपाल पहुंची, जहां आरोपी शूटर्स के छिपे होने की आशंका है। हमलावरों की पहचान सीसीटीवी फुटेज के जरिए हुई है। जिस बोलेरो ने सिद्धू मूसेवाला की थार का पीछा किया और उन्हें घेरा, उसकी भी पहचान हो गई है। इस बोलेरो में हमलावरों ने तेल भरवाया था, जिसकी फुटेज पुलिस के हाथ लग गई है। दोनों शार्प शूटर्स हरियाणा सोनीपत के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अंदेशा है कि हमलावरों ने इसी गाड़ी का इस्तेमाल हत्या के लिए किया था। बताया जा रहा है कि ये सीसीटीवी फुटेज फतेहाबाद के बिस्ला गांव में स्थित एक पेट्रोल पंप से मिला है, जहां गाड़ी में पेट्रोल भरवाया गया था। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के एक पेट्रोल पंप का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसमें सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में दो संदिग्ध एक बोलेरो गाड़ी में दिख रहे हैं। प्रियवत फौजी और अंकित सरेसा का नाम इसमें सामने आ रहा है। ये दोनों संदिग्ध शूटर्स पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल भरवाने के दौरान सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए थे। बोलेरो में सवार प्रियवत फौजी और अंकित सरेसा दोनों शार्प शूटर्स सोनीपत के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि एक पेट्रोल पंप पर बोलेरो जीप तेल डलवाने के लिए रुकती है। गाड़ी से जो दो युवक नीचे उतरते हैं, ये दोनों सोनीपत के रहने वाले शूटर्स प्रियवत फौजी और अंकित सरेसा बताए जा रहे हैं। पुलिस उनके ठिकानों पर पहुंची, लेकिन वे फरार हो गए। इनके मोबाइल भी बंद हैं और लोकेशन भी ट्रैक नहीं हो पा रही। इससे उनके इस हत्याकांड में शामिल होने का रहस्य और गहरा गया है। संदिग्ध शार्प शूटर अंकित सरेसा की सोनीपत पुलिस के पास कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, जबकि प्रियवत फौजी रामकरण गैंग का शार्प शूटर रहा है। इस पर दो हत्याओं समेत दर्जन भर संगीन मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि हमले के दौरान हत्यारे बोलेरो में ही सवार थे। आपको बता दें कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा में बैठे गोल्डी बरार के गुर्गों का नाम सामने आया था। इस हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी बरार ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली थी। वहीं पुलिस की पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई मूसेवाला हत्याकांड में रोज नए नए खुलासे कर रहा है। उसका कहना है कि पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए हथियार करीब 8 माह पहले नेपाल के जरिए मंगाए गए थे। पूछताछ में उसने बताया कि उसने एक गैंगस्टर के जरिए गोल्डी बरार को सूचना पहुंचाई थी। लॉरेंस बिश्नोई ने यह भी बताया कि वो विक्की मिडुखेड़ा को बड़े भाई की तरह मानता था। विक्की ने ही उसे पंजाब यूनिवर्सिटी का छात्र संघ अध्यक्ष बनाया था। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंगस्टर लॉरेंस को पूछताछ के लिए 5 दिन के रिमांड पर लिया है। शुक्रवार को भी उससे कई घंटे की पूछताछ की गई। लॉरेंस बिश्नोई ने बताया कि उसने पंजाबी गायक की हत्या के लिए आधुनिक हथियार बहुत पहले मंगवा लिए थे। खुफिया विभाग को भी कुछ महीने पहले हथियार मंगवाने के इनपुट मिले थे। स्पेशल सेल अब लॉरेंस से ये पूछताछ कर रही है कि हथियार किस देश से और कैसे मंगवाए थे, हथियार मंगवाने के लिए पैसे का लेन देन कैसे हुआ था।